नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पर 8 लाख व्यूज पूरे होने के उपलक्ष्य में हम इस बार आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को देंगे 10 ग्राम सोना और वीवो V9 प्लस। गिव अवे में भाग लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। इसके बदले में आप में से किसी एक भाग्यशाली विनर को मिलेगा 10 ग्राम सोना और वीवो V9 प्लस। भारत में हजारों मंदिर हैं। हर मंदिर अपनी अलग मान्यता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, पर भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो रहस्यमयी और विचित्र चीजों के लिए जाने जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे जहाँ पर चूहों का राज चलता है। राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता को समर्पित यह मंदिर दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बनाए बैठा है। आज भी देश भर से श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। इस मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या है कि भारत ही नहीं दुनिया भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी देखने लायक है। मुख्य द्वार पर लगी चांदी की बड़े बड़े किवाड़ और माता के सोने के छत्र के अलावा चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। कहते हैं कि करणी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लिंग हुई थी। उनके ज्योतिर्लिंग होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से अब तक निरंतर जारी। करणी माता, जिन्हें की भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं, इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम रघुबाई था। रघुबाई की शादी शाठिका गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। बाद में रघुबाई ने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रघुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहाँ यह मंदिर स्थित है, वहाँ पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थीं। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। करणी माता की एक कथा के अनुसार, एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण, जो कि उनकी बहन गुलाब और उनके पति का पुत्र था, कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को यह पता चला कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से बात करी तथा यमराज से उसे दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करी। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, लेकिन बाद में विवश होकर उन्होंने एक शर्त पर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवन दान दिया। अब से मंदिर के अंदर चूहों का राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इनको मारना या पकड़ना सर्वथा वर्जित है। अनजाने में भी यदि किसी श्रद्धालु के पांव से कोई चूहा मर जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप मंदिर में सोने का चूहा भेंट स्वरूप चढ़ाना पड़ता है। मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफ़ेद चूहे भी रहते हैं। इन सफ़ेद चूहों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसलिए लोगों की नज़र अक्सर सफ़ेद चूहों को ढूंढती रहती है। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर के चूहों की एक विशेषता है कि ये मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त अधिकांश चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन दो वक्त चूहों की सबसे ज़्यादा धमा चौकड़ी होती है। यहाँ चूहों को काबा भी कहा जाता है और इन काबाओं को बकायदा दूध, लड्डू आदि भक्तों के द्वारा परोसा भी जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले ये चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जालियां लगी हुई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन चूहों ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि हर एक चूहा कुतरने में माहिर है।
असंख्य चूहों से भरे इस मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता है और ना ही मंदिर के भीतर कभी बिल्ली प्रवेश करती है। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था तब भी यह मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा देश रोग इस बीमारी से महफूज था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है, यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। हालांकि बीकानेर के लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनुक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया।